मैं इस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हूँ, एमयू। एमयू को लेकर लगातार बीजेपी ने राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार यूपी में हालात कुछ अलग हैं। सपा बसपा गठबंधन के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार अभी भी भारत पाकिस्तान कर रहे हैं, दरअसल वो भारत पाकिस्तान का जो कोर है वो हिंदू मुस्लिम ही है, उसका थोड़ा सा वर्सटाइल रूप है। पहले भारतीय मुसलमान को मारो, अब उससे चूंकि SC ST ने हाथ खींच लिया, OBC ने हाथ खींच लिया, तो वो थोड़ा वर्सटाइल हो गए हैं और वो पाकिस्तान वाले मुसलमान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हार्ड को रही है। एमयू में लगातार प्रोटेस्ट होता रहा, एमयू ने लगातार असिस्ट किया है, हम एमयू लगातार उसके लिए वाइस चांसलर के यहाँ को उनको तकलीफें हुई और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट विंग है यहाँ, स्टूडेंट यूनियन है, उनको तकलीफें हुई हैं। बहुत क्रूशियल चुनाव हैं और 80 सीटों का मामला है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा यूपी तय करता है, या ये भी तय करता है कि अगर आप यहाँ से आपका खाता नहीं खुलता है तो फिर 80 सीटें यहाँ बिहार में 40-120 का नुकसान उठा के आप PM तो नहीं बन सकते कम से कम, और उसमें मुस्लिम समाज की क्या भूमिका है। और AMU की बात जो है वो यूपी ही नहीं, पूरे देश के लोग जो हैं उस पर नज़र रखते हैं। मेरे साथ मोहम्मद इस्लाम साहब हैं जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं, और क्या लग रहा है, कांग्रेस फैक्टर है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से मुसलमान जो है वो दो पार्टी बंट रहे हैं। देखिए, इस लोकसभा इलेक्शन में रीजनल पार्टीज़ का भी रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कांग्रेस के साथ साथ रीजनल पार्टीज़ का भी इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि जगह जगह हम देखें तो अलायंस के फॉर्म में इलेक्शन हो रहे हैं, प्री पोल अलायंस हो रहे हैं। जैसे कि यूपी की बात करें तो 3 दीगर पार्टी रीजनल पार्टीज़ वो एक साथ चुनाव लड़ रही हैं बिहार में। इम्तियाज भाई, मैं वही जानना चाह रहा था कि सपा बसपा और RLDA बहुत मजबूत है जी, कांग्रेस सीट नहीं जीत सकती है, तो क्या वो वोट मुसलमानों का डाइवर्ट कर पाएगी? नहीं, देखिए मुसलमानों का रुझान एकदम क्लियर है, जो भी जीत रहा क्लियर है, जो भी जीत रहा है इस हाँ। बार मुसलमान इतना सेंसिटाइज और अवेयर है, जो भी जीत रहा है, भले चाहे कांग्रेस जीत रही हो तो कांग्रेस को देंगे, महागठबंधन जीत रहा है तो महागठबंधन देंगे। रिप्रेजेंटेशन से खुश है महागठबंधन के लोगों ने, देखिए क्योंकि पिछली बार मुसलमान एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था इस यूपी से, बड़ा फैक्टर है, 80 में एक ना हो तो इस बार क्या सपा बसपा, ईमानदारी से बात हो, जो जितनी टिकटें दी गई है उससे रिप्रेजेंटेशन ठीक हो रहा है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन से तो खुश नहीं है और हमने इसका विरोध भी किया था कि जिस तरह से मुसलमानों को नदारद किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, टिकट के फॉर्म में देखें तो नदारद किया जा रहा है, और भी मुस्लिम दीगर पार्टीज़ यूपीज़ में हैं, अगर महागठबंधन ज़्यादा उनको एक कर सकता था लेकिन नहीं किया, और मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन बात करें तो ठीक ठाक कैंडिडेट दिया, अब तक कितनी जानकारी टिकट पे? देखिए दिया है, मुझे जितनी जानकारी है तो 7-5 की मुझे जानकारी, पांच लोगों को, पांच मुस्लिम को, अच्छा पांच यूपी दिल्ली में आज 5 मुस्लिम नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस को कि कम से कम एक मुसलमान को तो टिकट दीजिए। राहुल गांधी का जनेऊ, राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, प्रियंका टेम्पल जाती हैं, गंगा स्नान करती हैं, वो और मोदी जी, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है? मैं डिफरेंशिएट बता दूं कि हिंदुस्तान की जितनी भी दीगर पार्टीज हैं, चाहे रीजनल पार्टीज हों या सेंट्रल पार्टीज हों, मुसलमानों की बात करने से हर इंसान घबरा रहा है, हर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेल रहा है, मंदिर की बात हो रही है, पाकिस्तान की, कश्मीर की, आतंकवाद की बात हो रही है, नौकरी की बात क्यों नहीं हो रही, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही, शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही, क्या कश्मीर आतंकवाद और पाकिस्तान से आपका विकास हो जाएगा, आपके युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंड काटा गया है वो मिल जाएगा? इम्तियाज भाई के बात को समझने के लिए आपको कम से कम PhD तो करनी ही पड़ेगी, या AMU, JMU, AMU, JNU, DU या किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं मोदी जी को, और मोदी जी को पढ़ाई से बड़ी दुश्मनी है, मैं पूरी कहानी जानता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मोदी जी को परेशानी है सवालों से, और अगर आपने देखा हो इतिहास में बहुत सारे मुल्कों की सल्तनत ऐसी रही है जिनको सवालों से बड़ी दिक्कत होती है। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट है एक जगह जाएगी, मुस्लिम वोट जो बीजेपी को हरा है, मुस्लिम और दलित वोट एक जगह इकट्ठा है, OBC में भी बिल्कुल इकट्ठा है, और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो कि यूनाइटेड हैं इस बार, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों और दलितों को नुकसान नहीं हुआ है, अगर GST की बात करें तो किसको नुकसान हुआ, मुसलमान तो इतना बड़ा कारोबारी है ही नहीं, नुकसान किसको हुआ, नोटबंदी की बात करें नुकसान किसको हुआ, नुकसान सबको हुआ है, और ये बात सब लोग समझ गए हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 23 मई को, सारी पोलें खुल जाएगी नरेंद्र मोदी की, उन्होंने किया क्या, अगर नरेंद्र मोदी, मैं मानता हूँ डिमोनिटाइजेशन उनका बहुत बड़ा स्टेप था, GST उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, एयर स्ट्राइक पर वोट मांग रहे हैं, तो अब तो प्रूफ हम मांग भी नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं भाई आपने डिमोनिटाइजेशन किया, आपका बेस्ट पॉलिसी थी वो, GST बेस्ट पॉलिसी थी, तो कहाँ है, क्यों नहीं मांग रहे इस पर वोट आप? और आपसे बात करेंगे, अच्छा लग रहा है, क्या नाम है आपका? गौतम के, कैबिनेट मेंबर हूं, एमी स्टूडेंट। अच्छा गौतम के जी, पूरा नाम बताइए। गौतम के। अच्छा क्या है, मतलब क्या लग रहा है आप लोग को यूपी में क्या होने जा रहा है?
यूपी में आप देखिए सब लोग पता चलेगा, मतलब इन लोग ये करंट गवर्नमेंट है सेंट्रल में, ये सिर्फ 3% ऑफ मतलब कम्युनिटी के लिए वकालत कर रहे हैं, किसी ओबीसी हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, बार बार मतलब पीछे मतलब मार रहे हैं, मतलब डिमोनेटाइजेशन पता है, मतलब सदर साहब बोला, मतलब हर समुदाय का लोग बहुत परेशान हुआ था उस वक्त में। सो इसलिए तरफ से कुछ नेता बोला था, मतलब कांग्रेस ऑफ हिंदुत्व से काम कर रहे हैं। आप देखिए साउथ के हिसाब से देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में, और दूसरा डीएमके कांग्रेस अलायंस डीएमके पार्टी में एक मुद्दा वो मैनिफेस्टो का पॉइंट है राम सेतु तोड़ने के लिए। अब देखिए कांग्रेस ऑफ हिंदुत्व के लिए लीन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस द्रविडियन आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए शुरू हो गया। सो इसलिए हम डीएमके द्राविड मुनेटर कलगम स्टालिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। सो इसलिए इंशाल्लाह हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए करने वाले लोग के लिए क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके तो बीजेपी को नहीं हरा पाएगा जब तक उनको जाति के मुद्दे पर नहीं लाइएगा, आरक्षण के मुद्दे पर नहीं लाइएगा। एकदम सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने जिम्मेदारी ले रखी है बीजेपी को हराने की, सबसे ज़्यादा सजा भी वही भुगतता है। अब पिटाई दलितों की भी हुई है, पिछड़ों की भी हुई, तो एक एक, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। देखिए मुसलमानों की पिटाई हुई है जो भी है, नहीं मुसलमान लेकिन एससी एसटी की भी इस बार पिटाई हुई है। एससी एसटी की बात करें हम दलितों की बात करें या सबसे इम्पोर्टेंट आदिवासी, इसको इन्होंने आदिवासी को डिस्प्लेस किया है और रिहैबिलिटेट नहीं किया। मुसलमानों की बात है अगर ठीक है, इस कंटेक्स में अगर आप ले जाएं वायलेंस के फॉर्म में ठीक है, जो माइनॉरिटीज है पिट रही है, लेकिन मेजॉरिटी का हाल कौन सा अच्छा है? मेरा सवाल नहीं सुना, मैंने ये कहा हिंदू के नाम पर वोट हो रहा था, मुसलमान पिट रहे थे। बीजेपी जब कांग्रेस थी तो सिर्फ मुसलमान पिट रहे थे, जब बीजेपी आई है तो दलित और पिछड़ा भी पिट रहा है, यादव भी पिट रहा है, माइनॉरिटीज पिट रही है। तो ये तो बहुसंख्यक कहते हैं खुद, तो क्या इनमें एक अलायंस बनता दिख रहा है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज? जितना भी वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड है, सब एंटी बीजेपी वोट कास्ट करेगा इस बार। जो हमारा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो वहाँ सारा ऑब्जर्वेशन ये है कि एंटी बीजेपी वोट सब लोग कास्ट कर रहे हैं। टीवी देखते हैं कि नहीं आप लोग? जी देखते हैं। टीवी का टीवी देखने के बाद तो लगता है कि 400 सीटें आ रही बीजेपी को? नहीं, बीजेपी की 400 सीट तो नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है 100-120, वो नाराज है, चलिए उनकी बात नहीं लेंगे। तो ये देखिए ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस को अभी राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उसको सीटें मिली है, सरकार बनी है, प्रियंका गांधी यूपी में फोकस कर रही है जबकि यूपी में उनका कुछ निकल नहीं रहा है, क्या लगता है कि इससे तो जो सेक्युलर वोट है वो डिवाइड हो रहा है? नहीं देखिए, सेक्युलर वोट डिवाइड होने से मतलब, देखिए जो सेक्युलर आदमी होता है पहली बात तो जाति के नाम पे वोट नहीं देगा, ठीक है ना, वो देश में जो भी अच्छा काम होगा या जो भी अच्छाई होगी उसके लिए वोट देगा। तो सेक्युलर वोट को आप बांट ही नहीं सकते, असली सेक्युलर जो है, और जो सिर्फ नाम के सेक्युलर है वो तो बटे हुए हैं और जिंदगी भर बटे रहेंगे। उन्हें एक करने का काम चाहे प्रियंका गांधी कर लें या जो कर ले, अगर एक कर देगी तो अच्छी बात है, वरना सेक्युलर वोट को कोई आदमी नहीं बांट सकता, अगर जो असली सेक्युलर है, नाम का सेक्युलर नहीं, असली सेक्युलर वोट। तो देखिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है बीजेपी को हराने की वो मुसलमानों के कंधे पर है, मुसलमान बहुत टैक्टिकल वोटिंग कर रहा है क्योंकि उसको देश भी बचाना है, समाज भी बचाना है, और एससी एससी उसमें भागीदार है, दिल्ली में वो उसको वोट करेगी जो बीजेपी को हराए, यूपी में वो उसको वोट करेगी जो बीजेपी को हराए, बिहार में वो उसको वोट करती है जो बीजेपी को हराए, जबकि उनका जो जो प्रतिनिधित्व है, उनकी जो भागीदारी है वो बहुत कम हो रही है। तो क्या लग रहा है यूपी में, मतलब किसके साथ मुस्लिम वोट जा रहा है मैसिव? देखिए यूपी में सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं, साथ में दलित वोट भी जाएगा मुस्लिम के साथ, और जितने समझदार लोग हैं चाहे वो यादव हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो सिख हो, आपको लगता है सेवन वोट करेगा गैर बीजेपी? जितने समझदार लोग हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जितने समझदार लोग हैं वो सब एंटी बीजेपी वोट करेंगे क्योंकि वो एक तरह से हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, ठीक है ना, और जितने बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते हैं, वो पिछले 5 साल में साबित कर चुके हैं और उससे पहले भी के हक में है, वो सेक्युलर पार्टीज को जाएगा और एंटी बीजेपी जाएगा। टीवी अखबार से कैसे निपटेंगे आप लोग? टीवी अखबार तो बहुत मैनिपुलेट कर रहा है चीजें। देखिए टीवी अखबार से निपटने का ये है कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनता है सबको आईटी सेल का काम करना पड़ेगा सेक्युलर होके, ये नहीं है कि देखिए बीजेपी के पास अपने एक आईटी सेल है बहुत मजबूत है, सबको पता है, वो उसने मीडिया खरीद रखी है, जो भी कुछ है उसका मजबूत है,
तो इंडिया के हर एक आदमी को, हर एक मतलब जो भी रहता है, उसे खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जब जाके मीडिया से और अखबारों से हम लड़ाई में जीत पाएंगे, वरना अकेले नहीं जीत सकता कोई भी। जो पढ़े लिखे सीएसटी ओबीसी, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको लेनी पड़ेगी। अगर कोई पंडित है और वो समझदार है, सेक्युलर है, एंटी बीजेपी है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा तो दिख नहीं रहा है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा दिखाना पड़ेगा, हो सकता है अभी नहीं दिख रहा, आगे जाके देखे। जब तक ऐसा क्या लग रहा है आप लोगों पर, इतने सारे आरोप लगते रहते हैं, लड़ाने की भी कोशिश हुई, ये भी आरक्षण नहीं है, दलितों से मुसलमानों को लड़ाया जाए, कितना मुश्किल था पिछला चार साल हमें के लिए? देखिए मुश्किल तो बहुत था, लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने हमें तरबियत दी है और जो हम देश के संविधान पर यकीन रखते हैं, उसी उम्मीद के साथ आज हम खड़े हैं सामने आपके। मुश्किलात हालात बहुत थे, और मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक अपील है, जो लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ा लिखा तबका वो तबका होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रेशनली सोचे, और जो नहीं पढ़ पाया है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझाए। ये दौर वही है जो काम हम कर रहे हैं, और दीगर राइटर्स, ऑथर्स, फिल्म इंडस्ट्री और ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो वाकई में सेक्युलर अपने आप को कह रहे हैं और इस टाइम कुछ कर भी रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी। और ये इम्तियाज भाई, इस देश में सवर्ण जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के हार्डकोर वोटर। अगर आज के डेट में सपोर्टर की बात करें तो मोर देन 10% हार्डकोर वोटर है बीजेपी के, उससे ज़्यादा किसी के पास वोट नहीं है। और जो इधर 85% लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, देखिए अगर वो लोग नहीं उम्मीद करके, मैं वही बात करूँ, हम लोग का काम है मैसेज देना, हम किसी को समझा सकते हैं वो हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर दोबारा भाजपा सत्ता में आती है, आज हम पिट रहे हैं कल वो पिटेंगे, तब समझ में आएगा, पासल और झेलना पड़ेगा। वोट भी इसीलिए दे रहे हैं कि मुसलमान दलित पिछड़े को, जब मुसलमान को आप निकाल देंगे, एक मैं बात करता हूँ मुसलमानों सबको निकाल दिया, फिर सियासत किस पे करेंगे, फिर जातिवाद की सियासत करेंगे आप? आपका काम बांटने का है, इस सरकार का काम बांटने का है। मुसलमानों के बाद दलितों की बारी आई है, फिर पिछड़ों की नहीं, मुसलमान और दलित तो साथ में चल रहे हैं, फिर जो आपकी अपर क्रीम है उसको बांटने की काम करेगी। ये अपर क्रीम के साथ भी नहीं है, ये अंबानी के साथ है, ये अडानी के साथ है, ये मुकेश अंबानी के साथ है, ये माल्या के साथ है, ये नीरव मोदी के साथ है, ये चौकीदार अपने आप को कहते हैं। सारी हिंदुस्तान की जो भी धरोहर थी वो चौकीदार की चौकीदारी के बीच में वो लेके भाग गए, चौकीदार ने किया क्या? और चौकीदार चोर है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दोराय नहीं। क्या करते हैं आप साहब? मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? BCA 4th सेमेस्टर। चलिए तो मैं ज़्यादा राजनीतिक नहीं पूछूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हालात कुछ इस तरह के हैं कि ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, लेकिन इम्तियाज ने अच्छी बात कही है, शानदार है। अगर इस तरह के इदारे नहीं बनेंगे, इस तरह के यूनिवर्सिटी नहीं बनेंगी देश में, तो आप जो है ना वो मोदी भक्त ही बन सकते हैं या किसी का भक्त बनेंगे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस समय AMU के छात्र जो कोई बात नहीं, लाइट अगर ऑन हो जाए तो दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ हूँ जहाँ शानदार इमारत है और देश को फख्र करना चाहिए, गुमान करना चाहिए ऐसे यूनिवर्सिटी पर। सोचिए कि देश भर से बच्चे यहाँ आते हैं और बहुत सारे बेहतरीन लोग दिए हैं AMU ने, और न जाने कैसे कैसे जो तमाम यूनिवर्सिटियाँ आज, अगर इस देश में JNU AMU बहुत संख्या में खुला होता तो आज देश के इस तरह के हालात नहीं होते, और कोई चौकीदार, चाय वाला और न जाने क्या क्या बोल के राजनीति नहीं कर रहा होता, उसको ग्राउंड ग्रास रूट पे काम करना पड़ता। तो दिक्कत क्या हुई है कि इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ खुलनी बंद हो गई हैं, यूनिवर्सिटी बनाना बंद। पिछले 5 साल में पूछिए इस सरकार से, मैं तमाम सवर्णों से पूछना चाहता हूँ जिनके बच्चे जो हैं PhD कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उनसे पूछिए उस सरकार से जो आपको रात दिन एयर स्ट्राइक तमाम चीज़ें कह रहा है, उसने कितनी यूनिवर्सिटी खोली है सरकारी। और मैं खासकर सवर्णों से कहना चाह रहा हूँ और SC ST OBC माइनॉरिटी से, आपके बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल कॉलेज, और जिनके जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनके पास इतना पैसा है, इतना संसाधन है कि वो जियो यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे और आपके बच्चे ठेला रिक्शा चलाते रहेंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट बने, सोच बने, देश बेहतरीन बने, मजबूत राष्ट्र बने, मिसाइल बने, एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदना न पड़े, आप अपने यहाँ बनाएं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी जहाँ आपकी पढ़ाई हो, और बेहतर इंसान बनने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। ये सब सवाल कौन हो गया है? TV अखबार में आपके रिपोर्टर है, नहीं तो कौन सवाल करेगा? देखिए ये सवाल जनता को करना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, वही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ बात कश्मीर पर हो रही है, आतंकवाद पर हो रही है, मुसलमानों पर हो रही है, मंदिर पर हो रही है, इससे विकास कहाँ से होगा? क्या गरीब बच्चा जो गांव में रहने वाला, इसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको खाना कैसे मिलेगा कश्मीर मुद्दे से? उसको आतंकवाद से क्या, उसके बच्चे की शिक्षा कैसे मिलेगी आतंकवाद से?
या वो बच्चा अगर मुसलमान है तो उसकी गलती क्या है? हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त मुसलमान यहाँ रह गए, क्या मुसलमानों की गलती थी? मुसलमानों ने अपने हक से इस वतन को चूज़ किया था, और जितना हक गैर मुसलमानों का है उतना ही हक और उससे ज़्यादा हक मुसलमानों का हिंदुस्तान में। आज़ादी के बाद ही भारत मजबूत देश बना, क्योंकि एक संविधान बना, एक परिधि तय हुई। और आप तय मानिए कि जो लोग इस देश में सत्ता में कोई भी आए, अगर वो आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहा है, वो आपके लिए अस्पताल नहीं खोल रहा है, वो आपके लिए साइंस को आगे नहीं बढ़ा रहा, बोल रहे हैं जियो इंस्टीट्यूट खोला था है। है। और तो समझिए कि अगर ऐसा काम नहीं कर रहा है तो वो आपको ठग रहा है। और रही बात मारने पीटने की, तो आप तय मानिए कि 85% आबादी को मार के आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि मुद्दों पर आइए। और अभी तो सवर्णों को आरक्षण मिला है 10% गरीबी की वजह से, यही हालत रही तो आप भीख मांगने की कगार पर पहुँच जाएंगे। इसलिए बहुत नाजुक हालत है, देश को बचाइए। और अगर डेमोक्रेसी रहेगी तभी कोई और मोदी आ पाएगा, कोई और सेकुलर आ पाएगा, कोई और फासिस्ट आ पाएगा। अगर ये सरकार रह गई तो अगली बार से चुनाव नहीं होगा, 50 साल के लिए कहा जा रहा है कि रिजर्व हो जाएगा। यूपी पर सबकी नज़र है, अंदाज़ा लगा सकते हैं मुसलमानों के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश ने दे रखी है। मैं खासकर SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान हर जगह निस्वार्थ भाव से बिना किसी उम्मीदवार के, कहीं RJD को, कहीं आम आदमी पार्टी को, कहीं सपा बसपा गठबंधन को वोट दे रहा है। आप भी समझिए कि आपके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है तालीम। और मैं आज AMU में हूँ, जो इस देश में AMU खोले, JNU खोले, DU खोले, यूनिवर्सिटी बनाए, उसको वोट दीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें जो है ना वो जंग के मैदान में जाने लायक भी नहीं रहेंगी। शुक्रिया आप सब लोगों का, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।